नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव। मैं रवि कुमार सिंह। और जिस तरह का चर्चा था भाटपाड़ा जगदल विधानसभा में सौरभ सिंह को लेकर, लगातार चर्चा का विषय बने हुए थे, लेकिन इस वक्त हमारे बीच वही सौरभ सिंह जी मौजूद है। हम उनसे बात कर लेंगे, क्या बोलेंगे लोगों को। क्या जब भी हम परिवार के साथ बाहर जाते हैं तो ये अफवाह तृणमूल कांग्रेस के पार्टी और कुछ कुछ बीजेपी में जो लोग हैं वो सुबह बीजेपी करते हैं, रात को तृणमूल करते हैं, वो लोग का काम ही अफवाह होगा। हम लोग तो पैराशूट से उतर के यहाँ पे राजनीति नहीं किए हैं, हम लोग लड़ाई मैदान में करते हैं और आगामी दिन में करते हैं। किस तरह भारतीय जनता पार्टी का सरकार वो हम लोग काम लगे लड़ाई कर, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बीते दिनों यहाँ पर जनसभा किया गया था, वो एक वर्ड बोल रहे थे कि खेला होगा, क्या खेला ऐसा होगा उसका, तो अच्छा तरह से मूछ नहीं आया, दाढ़ी नहीं आया, वो आके यहाँ भाषण दे के गया, उसका पलटा देने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। वो नेता नहीं है, नेता से बड़ा तोलाबाज, जिस तरह भाई को अभिषेक बनर्जी तोलाबाजी करता, उसी तरह तृणमूल कांग्रेस के जितने छोटे से लेके बड़े तक पद अधिकारी नेता सभी तोलाबाज। परिस्थिति ये लोग का ये हो गया है कि जगदल अंचल में जनसभा ही लोग कर रहे हैं और मंत्री भाषण दे रही हैं चंद्रिमा भट्टाचार्य जी, वहाँ 150 लोग, तो यही पोजिशन हो गया। आगामी दिन कल तो ओपिनियन पोल में दिखाया 108, इसके पहले आप लोकसभा में देखेंगे कि जनवरी महीना में भी दिखाया गया था 8 सीट आएगा भारतीय जनता पार्टी, तो 8 से 18 हुआ था, क्योंकि ओपिनियन पोल जो दिखाते हैं वीपी आनंद, ये वीपी आनंद तो बिका हुआ है, लोग उसी पे उड़ते हैं अभी, पार्टी ऑफिस तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। 108 दिखा रहा है तो 216 पे जाने वाला है, डबल अंक आने वाला है भारतीय जनता पार्टी। जनता हमारे साथ है और जनता के साथ हम लोग सेवा करते रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अपने स्टेज से बोल रही है कि जितने भी नेशनल चैनल है उनको हैक करके रखा है बीजेपी। नहीं, ये सब कोई बात नहीं, कल आप हम लोग हैक ही करके रखते हैं, तो एबीपी आनंदो तो दिखाया, कल एबीपी न्यूज़ भी दिखाया कि 108 सीट आ रहा भारतीय जनता पार्टी, तो हैक कहाँ से होगा। अगर हैक किए रहेंगे तो 108 सीट थोड़ी ना दिखाएगा, उस जगह पर हम लोग 180 सीट दिखा सकता था, लेकिन नहीं हुआ, 108 ही दिखाया, उसी पर संतुष्ट हम लोग। कि विधानसभा चुनाव 4 महीना बाकी है और इस बीच देखा जा रहा है कि आप लोगों ने एक प्रतिवाद रैली भी किया था, तो उस समय मौजूद थे सांसद अर्जुन सिंह, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी वो घटनाएं नहीं रुक रही है। घटना रुक जाएगा, आगामी 15 से 20 दिन अपेक्षा करिए, निर्वाचन कमीशन जब अपने अंडर में लेगा, कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, तो ये घटना सारा बंद हो जाएगा, जो तृणमूल के हरमत है वो घर से निकलना बंद हो जाएगा, घर के में वापस हो जाएगा। जब तक पुलिस हो रहा है रह रहा है उन लोगों के साथ, तो दौलोदास होकर काम चल रहा है यहाँ, जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा ये लोग देखिए घर से बाहर निकल गया। सीपीएम के समय से सुना जा रहा है सर, हरमत वाहिनी, हरमत वाहिनी आखिर है क्या। तो ये लोग डाकर्ती करते हैं, गुंडा राज चलाते हैं, सिंडिकेट चलाते हैं, मारपीट करते हैं, दंगा करते हैं, बम चलाते हैं, गोली चलाते हैं, लोहा चोरी करते हैं, यही सब हरमत काउंट होता है। तो ये तृणमूल कांग्रेस हरमत हो गया, जब मन तब बम चला दे रहा है, जब मन तब गोली चला दे रहा है, जब मन तब पार्टी ऑफिस तोड़ भांगचूर कर दे रहा है, तो यही काम है तृणमूल कांग्रेस। साधारण पब्लिक तो देख रहा है, कितना भी बड़ा बड़ा नेता उतार दीजिए कोई फायदा नहीं होगा जगदल विधानसभा में। जगदल विधानसभा में हम ही लोग काफ़ी हैं, बड़े बड़े नेता हैं। बंगाल में हमेशा हिंसा की राजनीति होती है, लेकिन इस बार क्या तैयारियां हैं कि शांतिपूर्ण ही चुनाव होगा, क्योंकि क्या बोले इस बार बहुत अच्छे से इलेक्शन होगा। निर्वाचन कमीशन भी वो बोला गया 7 चरण में हो सकता है इलेक्शन, और पुलिस बाहर रहेगा, सेंट्रल फोर्स अंदर रहेगा, और जो हरमत लोग हैं वो लोग देखिएगा अपने घर से भी नहीं निकलेंगे इलेक्शन वाले दिन, अपना वोट देने भी नहीं जाएंगे। राज्यपाल महोदय जी जब आए थे भाटपाड़ा के धरती पे, तो उन्होंने यहाँ से भी कहा था कि इस बार इलेक्शन तो होगा, राजनीतिक हिंसा नहीं होगी, कहीं पर किसी प्रकार का झड़प नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी पूरी टाइट रहेगी। वो आश्वासन जब दिए तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें होगा, सिक्योरिटी टाइट रहेगी, सब कुछ। हम तो आपको बोले पुलिस बाहर रहेगा, सेंट्रल फोर्स अंदर, अगर पुलिस अंदर रहता है तो वहाँ पर छप्पा वोट चलता है, विरोधी दल को मारा जाता है, विरोधी दल को घर से निकालने का काम भी नहीं होता है, एजेंट बैठाने का काम नहीं होता है। राज्यपाल जब हम लोग दिए हैं जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। पूरा पश्चिम जगदल विधानसभा से किसी को भी टिकट यहाँ से मिलता है तो कितना आशावादी है? पूरा आशावादी, 20,000 के ऊपर वोट से जीतेगा, पूरा कड़ी मेहनत हम लोग लगाएंगे, तन मन धन से सब लगा के उसको 20,000 के ऊपर वोट से लीड करवा के विधानसभा में। लेकिन आपके चाहने वाले तो कुछ और बोलते हैं सर, चाहने वाले यही बोलते हैं कि हम दादा अनुयायी हैं। चाहने वाले तो बहुत, हम लोग तो बोले हम पैराशूट से नहीं आए, सीढ़ी भांगते भांगते ऊपर हैं, जैसे शुभेंदु दा बोलते हैं, हम लोग जन नेता हैं, जन का सेवा करते हैं, अब लड़कियों को साथ रहते हैं, सुख दुख में रहते हैं, पहले मेरा लड़का बचेंगे तब हम बच पाएंगे, अगर मेरा लड़का ही नहीं बच पाएंगे, ये हमारे लोग नहीं सही कार्यकर्ता सही से नहीं रह पाएंगे, तो हमको भी वहाँ कुछ ना कुछ कमी होगा, तो हम पहले कार्यकर्ता को देखते हैं उसके बाद ही किसी और को देखते हैं, और यहाँ की जनता हमारे साथ है, तो हम आशावादी।
तो इस बीच आप सुन रहे थे सौरभ सिंह, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में आज कह दिया कि बीजेपी पार्टी ही कर रहे शुरुआत से, लेकिन जब भी हम परिवार के साथ अपने बाहर जाते हैं आउट ऑफ एरिया, तो किसी न किसी प्रकार से अफवाहों में, चर्चाओं में सौरभ सिंह हमेशा रहता है, क्योंकि सौरभ सिंह के पीछे हजारों कार्यकर्ता जो ठहरे रहते हैं। कैमरामैन के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव देखते रहो, बने रहो हमारे साथ। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে, আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন, B10/249 নিয়ার সেন্ট্রাল পার্ক কল্যাণী। বুকিং চলছে কল্যাণী B2/221, B2/312, কাঁচরাপাড়া ঘটক রোড, সতীশ নন্দী রোড, লোক সিনেমা চাঁদমারি রোড, লিচুবাগান সিরাজ মন্ডল রোড, টিকটিকি বাজার, মিলননগর আগুরিপাড়া, রজনীবাবু রোড, নিপেন সরকার রোড, আরপি স্কুল, নৈহাটি 6 নম্বর গেট, বিজয়নগর, ভাটপাড়া, রূপশ্রী হল, হালিশহর, রাজমহল হাউজিং এস্টেট। আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন গীতা কনস্ট্রাকশন, 6289063557, 9831478795।